हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज आपको बताया जाएगा 13 अपकमिंग कार्स के बारे में जिन्हें 2023 के अंदर भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अब आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ ही महीनों में एक गाड़ी लेनी है, तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखें। और अगर आपको इस लिस्ट में से कोई भी गाड़ी पसंद आ जाती है तो आप नीचे कमेंट में उस गाड़ी का नाम लिख सकते हैं, आपके लिए उस गाड़ी पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। वीडियो की पहली कार रहेगी टोयोटा की ओर से आने वाली टोयोटा एवेंजा। ये टोयोटा की तरफ से आने वाली एक 7 सीटर MPV रहेगी जिसकी कीमत 10 लाख से शुरू होगी। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेना चाहते हो तो वो आपको 16 लाख में आराम से मिल जाएगा। और इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिजाइन काफी ज्यादा डिसेंट है, दिखने में एवेंजा अट्रैक्टिव के साथ साथ एग्रेसिव लगेगी। फ्रंट में लाइटिंग सेटअप टोटली LED ही ऑफर कर दिया जाएगा। इंजन के अंदर एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा जो 103 BHP की पावर और 145 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। 5-स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर कर दिए जाएंगे। इंटीरियर में आपको सभी तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। डैशबोर्ड की जो फिट एंड फिनिशिंग है वो काफी ज्यादा कमाल की प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इंटीरियर में आपको काफी अच्छा खासा स्पेस भी ऑफर कर दिया जाएगा। लेगरूम और हेडरूम की आपको यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। टोयोटा एवेंजा की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में देखने को मिल सकती है। वीडियो की सेकंड कार रहेगी टाटा की ओर से आने वाली टाटा कर्व। अब टाटा की तरफ से ये एक बिल्कुल नए डिजाइन की 5 सीटर कूप SUV रहेगी और इसकी कीमत 11 लाख से शुरू होगी। और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेना चाहते हो तो वो आप 18 लाख के बजट में खरीद सकते हो। अब अगर आप इसका एक्सटीरियर देखते हो तो वो सभी गाड़ियों से बिल्कुल ही हटके रहेगा, यानी कि इस डिजाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ लग्जरी कार्स ही देखने को मिलती हैं। लेकिन टाटा आपको ये प्रीमियम SUV एक जस्टिफाइड प्राइस के साथ में ही ऑफर करने वाला है। फ्रंट में ट्रायंगल शेप के अंदर लाइटिंग सेटअप ऑफर किया जाएगा। इंजन में टाटा कर्व के अंदर 3 इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पहला 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और तीसरा रहेगा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। ट्रांसमिशन में मैनुअल के साथ साथ AMT और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑफर कर दिए जाएंगे। और इंटीरियर भी इस गाड़ी का काफी ज्यादा कमाल का है। फिट एंड फिनिशिंग भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहेगी, यानी एक 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन रहेगी, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा, ABS, EBD, ECS, ट्रैक्शन कंट्रोल और सेफ्टी का खास ध्यान रखते हुए इस गाड़ी के अंदर ADAS भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के अक्टूबर नवंबर महीने में देखने को मिल सकती है। वीडियो की थर्ड कार रहेगी निसान की ओर से आने वाली निसान जीव। ये निसान की ओर से आने वाली एक 5 सीटर प्रीमियम SUV है जिसकी कीमत 9 लाख से शुरू होगी। और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेना चाहते हो तो वो आपको 16 लाख के बजट में आराम से प्रोवाइड हो जाएगा और गाड़ी को SUV लाइनअप पर बनाया जाएगा। और अगर निसान जीव के एक्सटीरियर डिजाइन की ओर आ जाएं तो वो बहुत ही ज्यादा शानदार ऑफर किया जाएगा। एक यूनिक पैटर्न में लाइटिंग सेटअप ऑफर किया जाएगा, रूफ में पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर कर दिया जाएगा। इंजन में आपको एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैनुअल के साथ साथ 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑफर किए जाएंगे। इंटीरियर में भी आपको सभी तरह के अप टू डेट फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे बड़ी टच स्क्रीन रहेगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। निसान जीव की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के फेस्टिवल सीजन तक रखी जाएगी। वीडियो की फोर्थ कार रहेगी होंडा जैज का फेसलिफ्ट। इस फेसलिफ्ट के अंदर एक्सटीरियर डिजाइन से लेकर इंटीरियर फीचर्स तक सभी में अपडेट किए जाएंगे। एक नए डिजाइन में लाइटिंग सेटअप ऑफर किया जाएगा। गाड़ी की कीमत 7 लाख से शुरू होगी और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो तो वो आपको 10 लाख के बजट में आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। इस गाड़ी के अंदर एक 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा जिसमें मैनुअल के साथ साथ CVT गियरबॉक्स ऑफर किए जाएंगे। इंटीरियर के अंदर भी आपको सभी तरह के अप टू डेट फीचर्स ऑफर कर दिए जाएंगे, जैसे एक बड़ी टच स्क्रीन होगी, डुअल जोन के अंदर AC, पैडल शिफ्टर जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। होंडा जैज फेसलिफ्ट की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के सितंबर महीने में देखने को मिल सकती है। वीडियो की फिफ्थ कार रहेगी सिट्रोन C3 एयरक्रॉस। अब ये गाड़ी एक मिड साइज SUV सेगमेंट के अंदर भारतीय बाजार में लॉन्च की जाएगी जिसकी कीमत 9 लाख से लेकर 15 लाख तक की रखी जाएगी।
और ये गाड़ी भारतीय बाजार में एक जस्टिफाइड प्राइस के साथ में भी लॉन्च की जाएगी। इसके अंदर एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा जो 125 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। मैनुअल के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन ऑफर किए जाएंगे और गाड़ी के अंदर काफी मजबूत प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा जिससे कि गाड़ी यहां पर सेफ देखने को मिलेगी। फीचर्स के अंदर आपको सभी तरह के बेहतरीन फीचर्स ऑफर कर दिए जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा रहेगा, वेंटिलेटेड सीट्स रहेंगी और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो 2023 के अगस्त या फिर सितंबर महीने में देखने को मिल सकती है। वीडियो की नंबर 6 कार रहेगी Hyundai Palisade। ये गाड़ी एक MPV 7 सीटर सेगमेंट में भारतीय बाजार में लॉन्च की जाएगी जिसकी कीमत 18 लाख से लेकर 25 लाख तक की रखी जाएगी। Hyundai Palisade की ओर से आने वाली 7 सीटर एक मजबूत कार रहेगी जिसमें कि एक 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा और इसी के साथ साथ CVT और DCT और IMT ट्रांसमिशन ऑफर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ Hyundai Palisade 4x4 यानी कि ऑल व्हील ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी जाएगी। यहां तक कि इस गाड़ी का इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियमनेस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। फीचर्स में आपको ट्रिपल जोन AC ऑफर किया जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ रहेगा, 11.25 इंच की स्मार्ट इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन रहेगी और सेफ्टी का खास ध्यान रखते हुए ADAS भी इस गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के अक्टूबर महीने में देखने को मिल सकती है। नंबर 7 पर रहेगी XUV 300 का फेसलिफ्ट वर्जन। इस बार नई XUV 300 का एक्सटीरियर लुक्स एंड डिजाइन एक नए डिजाइन में देखने को मिलेगा। गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स एंड डिजाइन में कई सारे अपडेट एंड मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। इस गाड़ी की कीमत 9 लाख से शुरू होगी और 13 लाख तक जा सकती है। फ्रंट में एक नई ग्रिल प्रोवाइड करवाई जाएगी, साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर एक 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा और इसी के साथ साथ एक 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन भी ऑफर करवा दिया जाएगा जो 115 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और इस अपडेट वर्जन में इंटीरियर के अंदर भी कई सारे फीचर्स ऐड किए जाएंगे, यानी नई टच स्क्रीन होगी, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा, पैनोरामिक सनरूफ और सेफ्टी का खास ध्यान रखते हुए ADAS भी इस गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट होगी वो 2023 के अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में देखने को मिल सकती है। वीडियो की 8th कार रहेगी टोयोटा फॉर्च्यूनर का नेक्स्ट जनरेशन। इस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पाई शॉट भी किया जा चुका है। गाड़ी दिखने में पहले से और भी ज्यादा शानदार लगेगी। इस गाड़ी की कीमत भारतीय बाजार में 40 लाख से लेकर 45 लाख तक की रखी जाएगी और इसके अंदर एक 2.8 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा और इसी के साथ साथ एक 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन भी ऑफर करवा दिया जाएगा। नई फॉर्च्यूनर के अंदर ECVT और AMT ट्रांसमिशन ऑफर किए जाएंगे। फीचर्स में पैनोरामिक सनरूफ ऐड किया जाएगा, एम्बिएंट लाइटिंग रहेगी, हेडसअप डिस्प्ले और सेफ्टी का बेहतरीन फीचर यानी कि ADAS भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। टोयोटा फॉर्च्यूनर नेक्स्ट जनरेशन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के नवंबर या फिर दिसंबर तक देखने को मिल सकती है। वीडियो की 9th कार रहेगी मारुति सुजुकी की ओर से आने वाली स्विफ्ट का हाइब्रिड वर्जन। गाइज, मोस्ट पॉपुलर स्विफ्ट को अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में लॉन्च किया जाएगा जिसमें कि इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स एंड डिजाइन में भी थोड़े मेजर कॉस्मेटिक अपडेट करवा दिए जाएंगे और इसी के साथ साथ एक 1.2 लीटर 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा जो 30 से लेकर 35 किलोमीटर तक की माइलेज ऑफर करेगा। इंटीरियर अपडेट की बात करें तो एक नया कैबिन होगा, इसी के साथ साथ एक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट ऑफर किया जाएगा, रियर में भी AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहेंगे, टच स्क्रीन रहेगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कई सारे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। गाड़ी की जो कीमत रहेगी 9 लाख से लेकर 13 लाख तक की रखी जाएगी और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के नवंबर या फिर दिसंबर महीने में देखने को मिल सकती है। नंबर 10 पर रहेगी टाटा ऑल्ट्रोज रेसर। ऑल्ट्रोज रेसर को 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स एंड डिजाइन काफी ज्यादा इंप्रेसिव और अग्रेसिव तरीके से डिजाइन किया जाएगा। टाटा ऑल्ट्रोज रेसर के अंदर एक 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा जिसमें कि मैनुअल के साथ साथ DCT गियरबॉक्स ऑफर किए जाएंगे और इंटीरियर फीचर्स की बात कर ली जाए तो काफी बढ़िया कैबिन को डिजाइन किया जाएगा। डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के अंदर डैशबोर्ड रहेगा, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी की जो लॉन्च डेट रहेगी वो 2023 के नवंबर या फिर दिसंबर महीने में देखने को मिल सकती है। वीडियो की नंबर 11th कार रहेगी किया सोरेंटो। किया सोरेंटो एक प्रॉपर मिड साइज SUV रहेगी जिसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। इस गाड़ी की कीमत 25 लाख से लेकर 30 लाख तक की रखी जाएगी। इंजन के अंदर एक 1.6 लीटर टर्बो हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा जो 4x4 के सपोर्ट के साथ में ऑफर किया जाएगा।
फीचर्स में आपको एक प्रीमियम लुक्स के साथ साथ प्रीमियम इंटीरियर फीचर्स भी ऑफर करवा दिए जाएंगे। सभी तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक 10.25 इंच की स्मार्ट इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन रहेगी, जिसमें की सभी तरह की कनेक्टिविटी ऑफर की जाएंगी। पैनोरामिक सनरूफ जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। किया सोरेंटो की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के फेस्टिवल सीजन तक देखने को मिल सकती है। वीडियो की 12th कार रहेगी किया टेल्यूराइड। किया की ओर से आने वाली ये एक नई 7-सीटर रहेगी, जिसका की एक्सटीरियर लुक्स एंड डिजाइन काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगा। फ्रंट में किया स्टाइलिश की ग्रिल प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके ऊपर एक LED लाइटिंग सेटअप ऑफर किया जाएगा। इंजन में आपको एक 3.8 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा, जिसमें की 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किए जाएंगे। फीचर्स में आपको एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर की जाएगी, वेंटिलेटेड सीट्स रहेंगी, हेडसेट डिस्प्ले, ट्रिपल जोन AC और ADAS जैसे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। किया टेल्यूराइड की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के नवंबर या फिर दिसंबर महीने में देखने को मिल सकती है। वीडियो की लास्ट कार रहेगी होंडा पायलट। होंडा पायलट एक क्रॉसओवर 7-सीटर सेगमेंट में आएगी, जिसका लुक्स एंड डिजाइन बोल्ड होने के साथ साथ काफी ज्यादा एग्रेसिव रहेगा, जिसके अंदर 2 लीटर 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन भी ऑफर करवा दिया जाएगा। होंडा पायलट 4x4 के सपोर्ट के साथ में ऑफर की जाएगी। बाकी इस गाड़ी के अंदर सभी तरह के अप टू डेट फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक नया कैबिन होगा, डुअल जोन के अंदर AC रहेगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में 360 डिग्री कैमरे जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के अक्टूबर या फिर सितंबर महीने में देखने को मिल सकती है। तो गाइस, ये थी हमारी टॉप 13 अपकमिंग कार्स, जिन्हें भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आपको इन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।